हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। जब आप क्लास 10th या 12th पास करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको स्कूल बोर्ड द्वारा दिया जाता है, जैसे मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट इत्यादि। लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको स्कूल से ही मिलते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको डे टू डे लाइफ में पड़ती है, जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए स्कूल द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट या फिर ट्रेन टिकट में स्टूडेंट कंसेशन के लिए सर्टिफिकेट। जो भी स्कूल बोर्ड है, CBSE, ICSE, IB, कोई भी बोर्ड है, जो सर्टिफिकेट स्कूल बोर्ड द्वारा दिया जाता है उसका तो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन जो स्कूल्स होते हैं, अलग अलग स्कूल्स अपने अलग अलग फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट को इशू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा इशू किया जा रहा है, उस सर्टिफिकेट में वो सारे वैलिड चीज़ें हो, वो सारे वैलिड इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे वो सर्टिफिकेट की मान्यता मानी जाएगी। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो उस सर्टिफिकेट में, जो स्कूल द्वारा आपको इशू किया गया है, उसमें होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 1, जो भी सर्टिफिकेट स्कूल द्वारा स्टूडेंट को इशू किया जा रहा है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, वो सर्टिफिकेट स्कूल के लेटर हेड पे इशू होना चाहिए। लेटर हेड जिसपे स्कूल का नाम मेंशन है और वो ऑफिशियली स्कूल द्वारा यूज किया जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट किसी प्लेन पेपर पे या फिर किसी A3 साइज पेपर पर लिख कर, साइन करके, स्टैम्प करके आपको दिया जाता है, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे सर्टिफिकेट को आप एक्सेप्ट ना करें। आप स्कूल से रिक्वेस्ट करें कि आपको दिए जाने वाला सर्टिफिकेट स्कूल के लेटर हेड पर ही प्रिंट करके आपको दें। पॉइंट नंबर 2, लेटर हेड पे स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन होना चाहिए। साथ ही ये भी मेंशन होना चाहिए कि वो स्कूल कौन से स्कूल बोर्ड से एफिलिएटेड है। अगर मान लीजिए आपका स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो उस पर मेंशन होना चाहिए एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही एफिलिएशन नंबर वो मेंशन होना चाहिए और स्कूल का कोड क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये एफिलिएशन नंबर का मेंशन होना आपके लिए और जहां पर आप ये सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इस एफिलिएशन नंबर से ये चेक किया जा सकता है कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो एफिलिएटेड स्कूल से इशू किया हुआ है या नहीं। इस एफिलिएशन नंबर से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल या फिर जो भी स्कूल बोर्ड है उससे एफिलिएटेड स्कूल है, और इस तरह से आपको इशू किया गया सर्टिफिकेट वैलिड है। जो एफिलिएशन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है सर्टिफिकेट पे, उसे आप चेक करना चाहते हैं तो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक है cbseaff.nic.in। आप किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है या नहीं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेटर हेड पे स्कूल का नाम और एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, और वो एड्रेस एज पर स्कूल बोर्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। जो एड्रेस स्कूल ने स्कूल बोर्ड में रिकॉर्ड कराया है, वही स्कूल का एड्रेस लेटर हेड पे मेंशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपकी डिटेल्स के साथ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट आपका तैयार हो गया। अब इस सर्टिफिकेट पे सबसे ज़रूरी है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल या जो हेड ऑफ द स्कूल है, हेडमिस्ट्रेस है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही स्कूल का स्टैम्प भी ज़रूर लगा होना चाहिए। सिग्नेचर और स्टैम्प के बिना आपका सर्टिफिकेट अधूरा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको स्कूल द्वारा इशू किया जाता है वो बेस्ड होता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्कूल में रिकॉर्डेड है, और उस रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कब से आपने स्कूल में ज्वाइन किया था, कितनी क्लासेस आपने अटेंड की थी, आपका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट स्कूल के दौरान कैसा रहा,
आपने किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, क्या आपका अचीवमेंट्स रहा, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर का कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें की डिटेल स्कूल के पास ही होती है और उसी के बेसिस पर स्कूल आपको ये सर्टिफिकेट बना के देता है। इसलिए इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट्स में आपको स्कूल बोर्ड के काउंटर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प लग जाए, ये एनफ होता है, ये काफ़ी होता है आपके सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए। अगर आप कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं स्कूल से जिसमें स्कूल प्रिंसिपल के अलावा किसी हायर अथॉरिटी की भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको अप्रोच करना होगा स्कूल के मैनेजर, स्कूल के सेक्रेटरी या मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। इस तरह के सर्टिफिकेट्स में आपको स्कूल बोर्ड के काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अगर आपके सर्टिफिकेट में ये 5 चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर इन 5 चीजों में से कोई भी चीज आपके सर्टिफिकेट में मिसिंग है, तो आप तुरंत अपने स्कूल को कॉन्टेक्ट करें और उसे चेंज करवाएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो के द्वारा मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि वो स्कूल से किसी भी तरह का सर्टिफिकेट रिसीव करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, जिससे आगे जाके उनको कोई परेशानी ना हो। जिस भी चीज़ के लिए वो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो रिजेक्ट ना हो। अगर वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।